Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to translate a story. Friends, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो English to Hindi translation सीखें. तो friends, आज के इस वीडियो में मैं एक English story को हिंदी में translate करूंगा और आप देखेंगे कि translation का काम कितना आसान होता है. तो चलिए friends, start करते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो उर्दू में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल उर्दू टू इंग्लिश बाय आलम पर जाएं, जहां आपको उर्दू वाले वीडियोज मिल जाएंगे. फ्रेंड्स, चलिए आज एक स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं. मैंने यहां इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है और हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, फिर रफ्ता रफ्ता इस कहानी को हम खत्म करेंगे. फ्रेंड्स, हमारा स्टोरी है A scholar was bathing in a river. चलिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए या हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने दो ट्रिक बनाया हुआ है. अगर आप वो ट्रिक नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहां मैं आपको वो ट्रिक नहीं बताऊंगा बल्कि हमारा फोकस ट्रांसलेशन पर होगा. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको वह रूल पता चल सके. चलिए फ्रेंड्स, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं. जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि अगर आप इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे करें, जो वर्ड सबसे पहले है उसका हिंदी आप सबसे पहले ट्रांसलेट करें. और आमतौर पर जो वर्ड सबसे पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी कोई नाउन या प्रोनाउन होता है. यहां लिखा हुआ है अ स्कॉलर, यानी एक विद्वान या एक महात्मा. स्कॉलर को हिंदी में महात्मा, विद्वान और उर्दू में दानिशमंद कहते हैं. आइए फ्रेंड्स, अब पीछे चलते हैं और पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आते हैं. अ रिवर, यानी एक नदी. हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचें कि अभी मैंने कहा एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आए और मैंने यहां दो वर्ड को जोड़कर एक साथ लिखा. मैंने ऐसा क्यों किया? इसीलिए मैंने आपको बोला कि पहले आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहां पर मैंने ट्रिक बताया हुआ है या मैंने रूल्स बताए हैं. और आगे बढ़िए फ्रेंड्स, इनको हिंदी में कहते हैं मैं. आगे लिखा हुआ है बाथिंग. बाथ का मतलब होता है नहाना, और जब उसमें आईएनजी लगा हो तो हम उसका हिंदी रहा रही में बोलते हैं. बाथिंग, नहा रहे या नहा रहा. और वाज अवर हाथी थे कहते हैं, नहा रहे थे. A scholar was bathing in a river. एक महात्मा एक नदी में नहा रहे थे. और ये ट्रांसलेट हुआ. आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं. He saw a scorpion in the river. यह फुल स्टॉप है, इसलिए हम यहीं तक ट्रांसलेट करेंगे. सबसे पहले लिखा है he, और he को हिंदी में वह कहते हैं. तो मैं लिखूंगा वह. आइए फ्रेंड्स, अब पीछे चलते हैं और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आते हैं. द रिवर, यानी नदी. इनको हिंदी में मैं कहते हैं. मैंने लिखा मैं. यहां लिखा हुआ है अ स्कॉर्पियन, यानी एक बिच्छू. और आगे लिखा है सा. सा का मतलब होता है देखा या देखे या देखी. यह सेकेंड फॉर्म है और मैंने आपको पार्ट 7 में सेकेंड फॉर्म का यूज सिखाया. ही सा अ स्कॉर्पियन इन द रिवर. वह नदी में एक बिच्छू देखे. आइए फ्रेंड्स, अब आगे ट्रांसलेशन का काम जारी रखते हैं. इट वॉज रनिंग इन द रिवर. सबसे पहले लिखा है इट. इसका हिंदी होगा वह. कीड़े मकौड़ों के लिए यूज होता है. पीछे आइए. द रिवर, यानी नदी. इन, यानी में. ड्रॉनिंग, डूब रहा. और वाज को हिंदी में कहते हैं था. इट वॉज ड्रॉनिंग इन द रिवर. वह नदी में डूब रहा था.
और फ्रेंड्स यह कंप्लीट हुआ। ही वेंट देयर, सबसे पहले लिखा है ही, हम लिखेंगे वह, लास्ट में लिखा देयर यानी वहां, और वेंट का मतलब होता है गए या गया, वह वहां गए। आगे लिखा है बिकॉज यानी क्योंकि। आइए अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। यहां लिखा है ही यानी वह, पीछे आइए द स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, यहां लिखा है ऑफ, इसको हिंदी में कहते हैं की, और आगे बढ़िए द लाइफ का मतलब होता है जीवन, आगे आइए सेव मिस होता है बचाना, और वांटेड टू मिस होता है चाहते थे, ये भी सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है जो मैं आपको पार्ट सेवन में सिखाया। ही वॉन्टेड टू सेव द लाइफ ऑफ द स्कॉर्पियन, वह बिच्छू की जीवन बचाना चाहते थे। और फ्रेंड्स ये ट्रांसलेट हुआ, कैसे हुआ? अ स्कॉलर वॉज बाथिंग इन अ रिवर, एक महात्मा एक नदी में नहा रहे थे। ही सॉ अ स्कॉर्पियन इन द रिवर, वह नदी में एक बिच्छू देखे। इट वॉज ड्रॉनिंग इन द रिवर, वह नदी में डूब रहा था। He went there, वह वहां गए, because क्योंकि he wanted to save the life of scorpion, वह बिच्छू की जीवन बचाना चाहते थे। आइए फ्रेंड्स इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। The scholar यानी महात्मा, आइए फ्रेंड्स पीछे आते हैं, यहाँ आप फुल स्टॉप देख सकते हैं इसलिए मैं यहीं तक ट्रांसलेट करूंगा। His hand यानी अपने हाथों, हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचें कि हैंड्स का मतलब हाथ या हाथों होता है, ये तो बात समझ में आ रहा, लेकिन हिज का मतलब अपना कैसे होता है, यानी मैंने हिज के लिए अपने लिखा। आमतौर पर आप जानते हैं कि हिज मींस उसका होता है, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स हिज का मतलब अपना होता है। माई का भी एक मीनिंग अपना होता है, योर का भी एक मीनिंग अपना होता है, आवर का भी एक मीनिंग अपना होता है, देयर का भी एक मीनिंग अपना होता है, इट्स का भी एक मीनिंग अपना होता है। तो फ्रेंड्स अपना की कोई एक पर्टिकुलर इंग्लिश नहीं होती है, शब्द अपना के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैंने कल ही इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड किया, उम्मीद है आप उस वीडियो को देख लिए होंगे और आपको ये बात पता होगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इन यानी में, द स्कॉर्पियन यानी बिच्छू को, आप सोचेंगे कि द स्कॉर्पियन मीन्स तो बिच्छू होता है, मैंने को क्यों बोला? तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि मैंने अपने इस वीडियो में रूल्स बताए हैं, इसे जरूर देखिएगा तभी ये बात क्लियर होगा। मैंने उस वीडियो में बताया था कि कई बार हमें अपने मन से को या ने लिखना पड़ता है ताकि हम अपने सेंटेंसेस को एक सही शक्ल दे सकें। रेस्ट का मतलब होता है उठाए या उठा लिए। द स्कॉलर रेज द स्कॉर्पियन इन हिज हैंड, महात्मा अपने हाथों में बिच्छू को उठा लिए। यहां लिखा एंड यानी और। ही स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ द रिवर, आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है ही यानी वह, पीछे आइए द रिवर यानी नदी, ऑफ को हिंदी में का की के कहते हैं, और आउट मींस बाहर, और आगे बढ़िए टू कम मींस आना या आने, और स्टार्टेड का मतलब होता है लगे या शुरू कर दिए या प्रारंभ कर दिए। ही स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ द रिवर, वह नदी के बाहर आने लगे यानी वह नदी के बाहर आना शुरू कर दिए। अभी तक की कहानी में हमने ये देखा कि एक महात्मा नदी में नहा रहे थे, उन्होंने एक बिच्छू को देखा जो डूब रहा था, वो उसकी जान बचाना चाहते थे इसलिए वह बिच्छू के पास गए और वह अपने हाथों में बिच्छू को उठा लिए और वह नदी के बाहर आने लगे। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है द स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, द स्कॉलर यानी महात्मा, यहां लिखा है फ्रेंड्स स्टंग, स्टंग का मतलब होता है डंक मार दिया, और ये गुजरी हुई बात है यानी सेकेंड फॉर्म है डंक मार दिया।
फ्रेंड्स, अगर आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा ऑड लगेगा, जैसे बिच्छू महात्मा डंक मार दिया, यानी आपको अपने मन से यहाँ पर को या ने लिखना होता है ताकि आप सेंटेंसेस को एक सही फॉर्म दे सकें। और आमतौर पर को और ने का कोई अंग्रेजी नहीं होता। बिच्छू ने महात्मा को डंक मार दिया, बिच्छू ने महात्मा को डंक मार दिया, यहां लिखा है एंड, हम लिखेंगे और। आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है ही, यानी वह। सबसे पहले लिखा है ही, जिसको हिंदी में कहते हैं वह, लेकिन वर्ड ही का यूज किसी ऐसे इंसान के लिए यूज हो रहा है जिसको हम बहुत इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो हम वह की जगह पर उन्हें या उन्होंने यूज करते हैं। जैसे अगर बात आपकी पापा की हो तो आप नहीं कह सकते वह, आप कहेंगे उन्होंने। जैसे माय फादर इज अ डॉक्टर, ही इज कमिंग, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं और वह आ रहा है, बल्कि मैं कहूंगा मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं और वे आ रहे हैं। तो ही का हिंदी वह होता है, लेकिन जब हम किसी को बहुत इज्जत देते हैं या सम्मान देते हैं तो हम वह के जगह पर वे, उन्होंने या उन्हें लिखते हैं। तो हम लिखेंगे वे। पीछे आइए, लिखा है द पेन, यानी दर्द। हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचें कि बार बार आपको ये दर्द देखने को मिल रहा है और मैं इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा, क्यों? तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे, हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन हो कि सबसे पहले आपने यहां दर्द देखा, यहां भी, फिर आपने यहां दर्द देखा, तो हो सकता है आप सोचें कि ये बार बार दर्द आ रहा, क्यों आ रहा और इसका क्या सेंस है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, यहां मैंने ए एंड द को डिटेल से बताया है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहां लिखा है फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के वजह से या के कारण से, हम लिखेंगे के वजह। और आगे फ्रेंड्स यहां लिखा है हिज हैंड्स, अपने हाथों को। और आगे आइए अपार्टेड, अपार्ट का मतलब होता है अलग कर लेना, और अपार्टेड ये सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है अलग कर लिए, यानी महात्मा अपने हाथों में बिच्छू को लिए हुए थे और जैसे बिच्छू ने डंक मारा तो वे अपने हाथों को अपार्ट कर लिए, यानी अलग अलग कर लिए। He aparted his hands because of the pain, और वे दर्द की वजह से अपने हाथों को हटा लिए, या वे दर्द की वजह से अपने हाथों को अलग कर लिए। फ्रेंड्स एक बार सरसरी नजर डालते हैं। द स्कॉलर रेज्ड द स्कॉर्पियन इन हिज हैंड्स, महात्मा अपने हाथों में बिच्छू को उठा लिए, एंड और ही स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ द रिवर, वह नदी के बाहर आने लगे। द स्कॉर्पियन स्टन द स्कॉलर, बिच्छू ने महात्मा को डंक मार दिया, एंड और ही अपार्टेड हिज हैंड्स बिकॉज ऑफ द पेन, और वे दर्द की वजह से अपने हाथों को अलग कर लिए या हटा दिए। फ्रेंड्स स्टोरी अभी बाकी है, आइए स्टोरी को अंजाम देते हैं। द स्कॉर्पियन बिगन टू ड्रॉनिंग इन द रिवर अगेन, आइए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है द स्कॉर्पियन, यानी बिच्छू। पीछे आइए, लास्ट में लिखा है अगेन, यानी फिर या दोबारा। और आगे आइए द रिवर, यानी नदी। इन में ड्रॉनिंग डूबने, और बिगिन का मतलब होता है लगा, यानी बिगिन का मतलब होता है कोई काम शुरू हो जाना, और बिगिन उसका सेकेंड फॉर्म है, यानी कोई काम शुरू हो गया। द स्कॉर्पियन बिगेन टू ड्रॉनिंग इन द रिवर अगेन, बिच्छू फिर नदी में डूबने लगा। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। द स्कॉलर महात्मा, पीछे आइए, आपका सेंटेंस यहीं पर खत्म हो रहा इसीलिए हम यहां तक ट्रांसलेट करेंगे। अगेन यानी दोबारा, इट मीन्स होता है इसे या उसे,
कीड़े मकोड़ों के लिए यूज होता है। हालांकि मैंने इट के टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जहां मैंने बताया है कि ही मीन्स वह और दैट मीन्स वह, तो फिर दोनों में क्या फर्क है। दिस मीन्स यह और इट मीन्स यह, तो फिर दोनों में क्या फर्क है। दोज मीन्स वे और दे मीन्स वे, तो कैसे आपको पता चलेगा कि वे के लिए कब दे लिखना है और कब दोज लिखना है, वह के लिए कब ही या शी लिखना है या दैट लिखना है। यह बात मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और पिक्ड का मतलब होता है उठा लिए। द स्कॉलर पिक्ड इट अगेन, महात्मा दोबारा इसे उठा लिए, यानी महात्मा उस बिच्छू को फिर से उठा लिए। यहाँ पे लिखा है एंड, हम लिखेंगे और। आइए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। द स्कॉर्पियन डिड नॉट फेल टू स्टिंग हिम। द स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, पीछे आइए, हिम यानी उन्हें, और टू स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, डंक मारने। और फ्रेंड्स, फेल का मतलब होता है चूकना, लेकिन डिड नॉट फेल का मतलब होता है नहीं चूका या नहीं चूके। तो हम लिखेंगे डिड नॉट फेल यानी नहीं चूका। बिच्छू उन्हें डंक मारने से नहीं चूका, यानी बिच्छू ने उनको डंक मार दिया। कैसे ट्रांसलेट हुआ, सबसे पहले लिखा था द स्कॉर्पियन, मैंने लिखा बिच्छू, मैं पीछे आया, हिम का उन्हें, ट्विस्टिंग मीन्स डंक मारना, फेल मीन्स चूकना, लेकिन डिड नॉट फेल यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी पार्ट 7 में मैं ये बात पढ़ाया, डिड नॉट फेल नहीं चूका। तो पूरी बात हुई, बिच्छू उन्हें डंक मारने से नहीं चूका। आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। दिस वेंट ऑन मेनी टाइम्स, सबसे पहले लिखा है दिस, हम लिखेंगे यह, पीछे आइए, मेनी टाइम्स कई बार। और फ्रेंड, एक टॉपिक है गो ऑन, जिसका मतलब होता है कोई काम चलता रहता है, और उसी का पास्ट होता है वेंट ऑन, जिसका मतलब होता है चलता रहा। उम्मीद है कि आपको ये बात पता है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में गो ऑन, वेंट ऑन, कीप ऑन या केप्ट ऑन या कंटिन्यूड टू को बताया, और आप पहले ही इस वीडियो को देख चुके हैं, यानी आपको ये बात पता है। तो वेंट ऑन का मतलब होता है चलता रहा। दिस वेंट ऑन मेनी टाइम्स, यह कई बार चलता रहा। यहां लिखा है फाइनली, यानी आखिरकार या अंत तक। आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करें। ही गॉट सक्सेस एंड केम आउट ऑफ द रिवर, सबसे पहले लिखा है ही, हम लिखेंगे वह, पीछे आइए, सक्सेस। आप सोचेंगे कि पीछे यहां क्यों, मैंने यहां क्यों नहीं आया, तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स कि इस वाक्य का लास्ट यहीं तक हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है जिसको जोड़ा गया है। सक्सेस यानी कामयाबी या सफलता, और गॉट मिस होता है पाए या पाया। ही गॉट सक्सेस, वह सफलता पाए, एंड और। आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है ही, वो छिपा दिया गया है, तो आप पीछे से आगे क्यों आएंगे। लिखा है द रिवर, आप लिखेंगे नदी। यहां लिखा है ऑफ, आप लिखेंगे के। यहां लिखा है आउट, आप लिखेंगे बाहर। और यहां लिखा है केम, कम मिस होता है आना, लेकिन केम का मतलब होता है आए, गुजर चुकी है बात, इसलिए सेकंड फॉर्म में लिखा गया है। एंड केम आउट ऑफ रिवर, और नदी के बाहर आए। फ्रेंड्स, यहां पर ही छिपा हुआ है, अगर यहां पर ही छिपा नहीं रहता तो सबसे पहले हम लिखते वह, यानी यहां पर लिखा जाता वह, तो हमारा सेंटेंस होता वह नदी के बाहर आए। तो फ्रेंड्स, आइए एक बार इस पर सरसरी नजर डालते हैं, फिर इस कहानी को अंजाम देते हैं। द स्कॉर्पियन बिगन टू ड्रॉनिंग इन द रिवर अगेन, बिच्छू फिर नदी में डूबने लगा। द स्कॉलर पिक्ड इट अगेन, महात्मा दोबारा इसे उठा लिए, एंड और। द स्कॉर्पियन डिड नॉट फेल टू स्टिंग हिम, बिच्छू उन्हें डंक मारने से नहीं चूका। दिस वेंट ऑन मेनी टाइम्स, यह कई बार चलता रहा। फाइनली, अंततः। ही गॉट सक्सेस, वह कामयाबी पाए या वह सफलता पाए। एंड केम आउट ऑफ द रिवर, और नदी के बाहर आए। समबडी वॉज वॉचिंग दिस, आइए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं।
somebody यानी कुछ लोग। फ्रेंड्स हो सकता है आप सोचें कि यहाँ somebody लिखा हुआ है और मैंने helping verb was लिखा है, यानी सिमिलर helping verb लिखा हुआ है। मैं कहूँगा फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। क्या आप जानते हैं somebody, anybody, everyone, someone, anyone, everybody, something, anything, nothing, इन सभी वर्ड्स के साथ एक वचन सहायक क्रिया ही लिखी जाती है, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इसलिए आप somebody या someone, anyone, everybody इन सब के साथ वर्ब का यूज नहीं कर सकते। आइए फ्रेंड्स अब पीछे आते हैं। दिस यानी यह या इसे, दिस मीन्स यह और इसे दोनों होता है। वॉचिंग देख रहे, और वॉच का मतलब होगा के। Somebody was watching this, कुछ लोग इसे देख रहे थे। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। सबसे पहले लिखा है दे यानी वे, पीछे आइए द स्कॉलर महात्मा, और यहां लिखा है वेंट टू का मतलब होता है के पास गए या की ओर गए। फ्रेंड्स आप ये बात पहले से जानते हैं कि वेंट मींस होता है गया या गए, लेकिन टू का यूज डायरेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मेरे पास आओ कम टू मी, बैंक की तरफ जाओ गो टू बैंक, स्कूल की तरफ जाओ गो टू स्कूल। तो टू के बहुत सारे यूज में से एक यूज है कि डायरेक्शन दिखाने के लिए टू का यूज किया जाता है। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उम्मीद है आप देख चुके होंगे। वेंट टू यानी के पास गए। दे वेंट टू द स्कॉलर, वे महात्मा के पास गए। आई फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। यहां पर लिखा एंड, हम लिखेंगे और। दे आस्क्ड, सबसे पहले लिखा है दे, हम लिखेंगे वे, पीछे आइए आस्क्ड पूछे। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। द स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, पीछे आइए। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार बार। यू मींस आपको, कितने लोग तुमको भी कहते हैं, बात वही है आपको या तुमको। स्टंग का मतलब डंक मारा। द स्कॉर्पियन स्टंग यू अगेन एंड अगेन, बिच्छू बार बार आपको डंक मारा। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहां लिखा है स्टिल, जिसको हिंदी में कहते हैं फिर भी। आइए अब इसे ट्रांसलेट करें। यू यानी आप या आपने, यहां पर फुल स्टॉप है, यानी इस सेंटेंस का लास्ट यही है। इट्स लाइफ, इसका जीवन या इसकी जीवन। फ्रेंड्स अगर आप सोचें कि मैंने ये दोनों वर्ड को जोड़ कर क्यों लिखा, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले मेरे उस वीडियो को देखिए जहां मैंने रूल्स बताए हैं। और सेव का मतलब होता है बचाया। स्टिल यू सेव इट्स लाइफ, फिर भी आपने इसकी जीवन बचाया। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंड्स अभी तक जो भी मैंने आपको ट्रिक बताया कि सबसे पहले वाले वर्ड का अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए फिर पीछे से आगे की ओर आइए, यह सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए था, यानी सकारात्मक वाक्यों के लिए था। और यहां पर आप एक इंटरोगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं, आप यहां पर वाई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। तो उस तरह के सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव होते हैं, यानी जहां कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या आते हैं, इसके लिए मैंने एक स्पेशल ट्रिक बनाया हुआ है, जिसकी मदद से किसी भी तरह के इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को, चाहे वहां व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, किसी भी इंटरोगेटिव वर्ड का यूज हो, आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। और यह ट्रिक मैंने इस वीडियो में बताया है। तो अगर आप किसी भी तरह के इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को ट्रिक से जानना चाहते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करें, तो आप इस वीडियो को देखिए। Why did you do so? इसका हिंदी हुआ आपने ऐसा क्यों किया। फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि मैंने इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया, आपको एक एक अलग अलग नहीं समझाया, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को देखिए,
आपको जरा जरा समझ में आ जाएगा, यानी हर एक छोटी बड़ी बातें आपको समझ में आएगी। और फ्रेंड्स ये ट्रांसलेट हो चुका है। स्टिल यू सेव्ड इट्स लाइफ, फिर भी आपने इसकी जीवन बचाया। Why did you do so? आपने ऐसा क्यों किया? He replied, वह जवाब दिए। गुजरी हुई बात है इसलिए आप यहाँ पर सेकेंड फॉर्म देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। The scorpion, यानी बिच्छू। पीछे आइए। Me, यानी मुझे। Stung, डंक मारा। The scorpion stung me, बिच्छू मुझे डंक मारा। यहां लिखा है बिकॉज, यानी क्यों की। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंड्स इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी सबसे पहले, और जो वर्ड दूसरे नंबर पर है उसका अंग्रेजी तीसरे नंबर पर लिखेंगे, और जो वर्ड लास्ट में है उसका अंग्रेजी हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने दो ट्रिक बनाया हुआ है और यह दूसरा ट्रिक है। उम्मीद है कि आप मेरा पिछला वीडियो देखे हैं और आपको ये दोनों ट्रिक पता है। दिस मीन्स यह, और इट्स नेचर यानी उसकी स्वभाव या उसकी मिजाज, और वाज के लिए हम लिखेंगे था या थी। दिस वाज इट्स नेचर, यह उसकी मिजाज थी। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। सबसे पहले लिखा आई यानी मैं। पीछे आइए। इट यानी इसे या इसको। हेल्प मदद किया। आई हेल्प्ड इट, मैं इसे मदद किया या मैंने इसका मदद किया। बिकॉज, बिकॉज क्योंकि। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है दिस यानी या। सबसे पहला वाला अंग्रेजी मैंने सबसे पहले लिखा, बाद वाला अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और बीच वाला अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। माय नेचर यानी मेरा मिजाज या मेरा स्वभाव, और वाज का अंग्रेजी होगा था। दिस वाज माय नेचर, यह मेरा स्वभाव था। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। सबसे पहले लिखा है इट यानी इसने या उसने। पीछे आइए। लास्ट में लिखा है इट्स नेचर, अपना मिजाज। हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचें कि यहां मैंने इट्स के लिए अपना क्यों लिख दिया, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया जहां मैंने बताया कि अपना, अपनी, अपने का अंग्रेजी क्या होता है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी बातें आसानी से पता हो सके। चेंज का मतलब होता है बदलना, लेकिन डिड का मतलब होता है नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं बदला। इट डिड चेंज इट्स नेचर, उसने अपना मिजाज नहीं बदला। सो यानी इसलिए। यहां लिखा है आई डिड नॉट चेंज माई नेचर। आई यानी मैंने, माई नेचर अपना मिजाज या अपना स्वभाव, और डिड चेंज नहीं बदला। सो आई डिड चेंज माई नेचर, इसलिए मैंने अपना मिजाज नहीं बदला। तो फ्रेंड्स ये कहानी खत्म हुई, और हमने इस कहानी से सीखा कि अगर कोई बुरा इंसान बुराई कर रहा है तो जरूरी नहीं कि हम भी बुराई करें। हमें वही करना चाहिए जो हमारा नेचर हो, जो हमारा मिजाज हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे जरूर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।